हाय गाइस, एक और नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले वीवो का V27 Pro देखेंगे। तो बॉक्स पे पूरी तरह से पे ब्रांडिंग आपको वीवो V27 Pro आपको पूरे साइड में आपको आ जाएगा, और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीवो V27 Pro, और पिछले वीडियो में मैंने V27 का भी अनबॉक्सिंग कर लिया है, तो आप लोग जरूर वो भी वीडियो आप लोग देख लेना। और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला, और इसके बारे में फीचर्स आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला देखेंगे। तो इसमें सिलिकॉन कवर आपको मिल जाता है वीवो का V27 Pro का, और इसमें आपको वीवो का इसमें आपको वारंटी कार्ड और इसमें क्विक गाइड वगैरह जो इन्फॉर्मेशन वगैरह V27 के बारे में लिखा है, इसमें आपको पूरी इंग्लिश हिंदी मराठी अब जो भी रहेंगे उसमें लिखा गया था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें टाइप ए टू सी चार्जिंग आपको मिल जाता है, और इसमें एक एजेक्टर पिन टूल मिल जाता देखेंगे तो वीवो का, ये जो हार्ट शेप में आता है तो ये वीवो के तरफ से मिल रहा है ये एजेक्टर पिन। तो आप इसे सिम कार्ड वगैरह आप निकाल सकते हो। अगर इसकी चार्जर की बात करेंगे तो इसमें आपको वीवो फ्लैश चार्ज आपको मिल जाता है, जो 66 वॉट का फ्लैश आ जाता है वीवो V27 Pro में। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रही है, मेरे पास वीवो V27 3D कर्व डिस्प्ले में आता है ये फ़ोन देखेंगे। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, और गाइस एक लाइक कर दो इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, और कमेंट करना जरूर ना भूलना इस वीवो V27 Pro के बारे में। तो काफ़ी ही तगड़ा फ़ोन है, और इसका जो देखेंगे तो इसका लुक डिज़ाइन और काफ़ी स्लिम फ़ोन आ जाता है ये देखेंगे तो। काफ़ी पतला फ़ोन है ये वीवो V27 जो आपको बोथ साइड से कर्व मिलता है ये बैक साइड में। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ। और इसकी अगर कलर की बात करेंगे तो इसमें कलर आपको इसमें मैजिक ब्लू कलर जाता है जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो ये सनलाइट में जाते हैं यूवी लाइट में इसका कलर चेंजिंग हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इसमें जो दूसरा कलर आता है मैजिक ब्लू कलर के साथ में एक नॉबल ब्लैक कलर भी आ जाता है। काफ़ी इसमें एजी फ्लोराइज ग्लास के साथ में आपको आ जाएगा, जो बैक साइड में आपको स्क्रैसेस वगैरह नहीं आएंगे। और कैमरा डिज़ाइन देखें तो काफ़ी प्रोफेशनल मिल जाता है इसके अंदर। ऊपर साइड में आपको प्रोफेशनल कैमरा भी इसमें आपको ऊपर के साइड में मिल जाता है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन का आपको मिल जाता है ऊपर के साइड में एक। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो काफ़ी फास्ट है रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्स का इसमें रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जो 3D कर्व डिस्प्ले में आ जाता है। और इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करेंगे तो 6.78 का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाए, जो एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो 3D कर्व डिस्प्ले में आपको मतलब मिल जाता है वीवो V27 Pro। और इसकी प्रोसेसर की बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर काफ़ी फास्ट प्रोसेसर आ जाता है। और इस प्राइसिंग सेगमेंट में देखेंगे तो 4 नैनोमीटर में काफ़ी ये तगड़ा फ़ोन है V27 Pro। और प्राइसिंग की बात करेंगे तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलने वाला है, और जैसे कि 8 128 GB लेंगे तो आपको इसमें 37,999 रुपीज़ में 8 GB 128 GB आ जाता है। और सेकेंडरी इसमें जो मिलता है 8 GB 256 GB आपको 39,999 रुपीज़ में आ जाएगा। और इसमें एक आता है 12 GB 256 GB जो आएगा आपको 42,999 रुपीज़ में। 3 वेरिएंट इसमें अवेलेबल है वीवो V27 Pro में। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अलग अलग आपको अल्ट्रा गेम मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, अलग अलग इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसकी बैटरी की बात करेंगे तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी आ जाती है, तो लिथियम पॉलीमर की बैटरी आ जाती है, जो 66 वॉट का फ्लैश आ जाता है आपका। ये 19 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, और 72% जस्ट ओनली 30 मिनट्स में आपका चार्ज हो जाता है। जैसे ही गाइस अगर 70% के बाद कोई भी बैटरी स्लो ही चार्ज होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये मतलब फास्ट चार्जिंग के साथ में आ जाता है। वो तो देखेंगे तो ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ जाता है, मैं जो सेट कर रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में। और डिस्प्ले काफ़ी इसका बहुत ही प्यारा है, और फ़ोन भी बहुत स्लिम फ़ोन है, और लाइट वेट के साथ में आपको आ जाएगा, 180 ग्राम के आसपास है ये वीवो V27 Pro। और एंड्रॉयड की बात करेंगे तो एंड्रॉयड 13 मिलने वाला, जो फ्रंट टच OS का 13 आपको मिलने वाला इसके अंदर है। और इसके अंदर आपको डार्क मोड और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाला है V27 Pro में। और इसकी देखेंगे तो इसमें आप अलग अलग इसमें आप सेट कर सकते हो। और इसकी कैमरे की बात करेंगे तो आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है इसमें, 50 मेगापिक्सल जो सोनी IMX का 766V का मिल जाता है सोनी के साथ में, सोनी सेंसर के साथ में। और जो सेकेंडरी कैमरा मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल आ जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करेंगे तो वो भी 50 MP का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, जो
आई ऑटो फोकस कैमरा आपको मिल जाता है V27 Pro में, और इसके बारे में आपको बताना था गाइस V27 Pro में। और गाइस एक ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना V27 Pro के बारे में, और अपना कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा V27 Pro के बारे में। और काफ़ी हल्का पीस है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इसको परचेज़ कीजिए, V27 Pro या V27 कोई भी आप फ़ोन परचेज़ कर सकते हो। वीवो का V27 काफ़ी ये मतलब तगड़ा फ़ोन है देखने के लिए इस प्राइस सेगमेंट में, और इसकी डिस्प्ले साइज़ भी आपको काफ़ी प्यारा प्यारा मिलने वाला है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट के अलग अलग इसमें आपको जेस्चर और ये भी मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको, और इसमें हम फिंगरप्रिंट लगाते उसके भी नेविगेशन आपको अलग अलग टाइप्स के मिल जाए, आप सेट कर सकते हो जो कस्टमाइज आप कर सकते हो इसके अंदर वीवो V27 में। अगर हम फेस आईडी भी लगाते हैं तो अलग अलग इसमें आप फेस आईडी का भी आइकन लगा सकते हो, और जैसे कि हम चार्जिंग लगाते हैं वो भी इसमें अलग अलग आपको आइकन्स मिलने वाला है वीवो V27 Pro में। और जैसे कि इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी आपको प्रीमियम मिलने वाला है, और इसकी प्रोसेसर कैमरा बहुत ही ऑसम मिलने वाला है इसके अंदर आपको वीवो V27 Pro में। और यही आपको बताना था गाइस वीवो V27 Pro के बारे में, और अपना सुझाव जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें एंड्रॉयड आपको 13 मिलने वाला है, और अपडेट सिक्योरिटी भी आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है इसमें, फ्रंट टच ओएस का वीवो का जो खुद का फ्रंट टच ओएस है, और इसके बारे में ज़रूर बताना गाइस। और रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छे मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में एमोलेड डिस्प्ले के साथ में 3D कर्व डिस्प्ले मतलब वीवो V27 Pro में आ रही, तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही प्यारा फ़ोन है और बहुत ही लाइट फ़ोन है वीवो V27। और ये प्रोफेशनली एकदम देखेंगे तो लुक भी इसका काफ़ी मतलब डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है वीवो V27 Pro में। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अपना कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप कौन सा फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हो वो भी कमेंट में ज़रूर करना, और ज़रूर बताना आपको कमेंट और सुझाव। और चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करो गाइस, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल ग्रोथ हो, तो वही आपको बताना था। और आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे और रिव्यू बताते रहूँगा गाइस आप लोगों को। कैमरे की बात है, कैमरा क्लैरिटी भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, देख रहेंगे मेरे हाथ में तो कैमरा भी आपको पूरा नेचुरल कैमरा मिलने वाला है वीवो V27 Pro में, और देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव कैमरा आपको मिलने वाला है। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है वीवो V27 Pro। आज के लिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपना सुझाव जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।